पायल ब्लॉक। सो पीछे बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, कचरा भी दिख रहा होगा, बहुत अजीब सा रास्ता दिख रहा है। लेकिन अभी मैं खड़ी हूँ शर्मा दा के दुकान के पास। तो अभी चल रहा है स्टार्टिंग, अभी बना रहे वो लोग, स्टार्ट किया है अभी बनाना। तो यहाँ मिलने वाला है टेस्टी टेस्टी खाना, और सबको पता है मेरे साथियों को क्या टेस्टी टेस्टी खाना मिलने वाला है। तो सब लोग तो एक्साइटेड है इनका दुकान खुलने, जब सुना था हम लोगों ने, जब हमने सुना इनका स्टेटस देखा, उसके बाद पता चला दुकान का नाम क्या है। अभी अंदर कंस्ट्रक्शन है और अभी ये पूरी तैयारी चल रही है दुकान, अभी काउंटर लग रहा है और अंदर दिखाने वाली हूँ मैं। यहाँ पे दिखाएंगे मैक्सिमम 18 लोगों का बैठने का जगह है, और उसके बाद अंदर मैं दिखाऊंगी किचन, हल्का सा दिखाऊंगी क्योंकि सबको अलाउ नहीं होगा बाद में किचन, अभी देख लो किचन। तो ये होने वाला है किचन, तो ये अंदर का किचन है, अभी थोड़ा बिखरा बिखरा है, बाद में अच्छा होने वाला है, ये अच्छे से सेट करेंगे, और जब अच्छा सेट करेंगे तब भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर फास्ट फूड लगेगा इवनिंग में, उसके बाद मैं तो महान हूँ खाने में, आऊंगी खाने के लिए। ऑनर से पूछ लो क्या क्या रहेगा, ऑनर बताएंगे, अभी से डिक्लेयर कर देंगे तो लोग फिर आएंगे खाने के लिए। ऑनर बताएंगे क्या क्या बनेगा, क्या क्या रहेगा, फास्ट फूड आइटम बनेगा, खाना का सब बनेगा, फास्ट फूड आइटम में क्या क्या रहेगा, मोमो रहेगा, मोमो रहेगा, चाउमीन रहेगा, फ्राइड राइस रहेगा, रोल रहेगा, एग रोल रहेगा, चिकन रोल, तो मोमो रहेगा। तो मैं तो आने वाली हूँ मोमो खाने के लिए, बाकी आप लोग आए ना आए मेरा तो फेवरेट है मोमो। मैं अभी फिलहाल दार्जिलिंग मोमो से मोमो खा के आई हूँ, अब यहाँ पे पता चल गया तो मेरे घर के पास है, मेरे रूम के पास, तो मैं आ जाऊँगी। सब सबका अलग अलग टेस्ट है, तो हम यहाँ का भी टेस्ट लेने वाले हैं, और मैं बताने वाली हूँ यहाँ का टेस्ट कैसा होने वाला है। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही, कंस्ट्रक्शन में इतना ही, बाकी मैं जब वो होगा क्या होगा, हाँ इनोग्रेशन, अरे इंग्लिश वाला वर्ड मुँह में नहीं आ रहा था ना, इसलिए इससे पूछ लिया मैंने। तो जब इनोग्रेशन होगा तो मैं आऊँगी सर धर के, और देखू खा के देखू। नए साल में नई शुरुआत, नए साल में नई शुरुआत। तो मैंने पूछा है शर्मा दा से कैसा डेकोरेशन करने वाले हैं अंदर का वॉल में, क्या क्या लगाने वाले हैं, तो उन्होंने अभी कुछ ज्यादा सोचा नहीं है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक वॉलपेपर सेलेक्ट किया है, ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है, तो यहाँ पे लगने वाला है गणेश जी की मूर्ति, और ये मूर्ति तो बहुत सजाने वाला है, इतना मुझे पता चल गया, बाकी आप बताइए। जा रहे हैं वापस, और आने वाले 3 तारीख को, और देखते हैं क्या क्या टेस्ट करने के लिए, और देखते हैं क्या क्या खाने को मिलेगा, और आप लोग भी रेडी रहिए 3 तारीख के लिए, कमिंग सून। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सो गुड।